प्रीफेब इज डिमांड ऑफ न्यू एज इसमें घर जल्दी बनते हैं दस से बारह साल बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रीफैब घर ही बन रहे हैं। पैनल्स या पूरे का पूरा घर फैक्ट्री में बन के आ सकता है प्रीफैब हाउसेस बहुत मटेरियल में बनते हैं ये भी लोगों को कम मालूम है रिसेंट रिकॉर्ड हुआ है जिसमें रिकॉर्ड टाइम में पूरा स्काईस्क्रेपर उन्होंने एक दिन में कंप्लीट किया इवन कंप्यूटराइज प्रीफा घर बनाने वाले बहुत कंपनीज आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल घरों को मैं पूरी कम्पलीटली रिप्लेस कर सकता हूँ इन घरों से करेक्ट प्रवीण ये घर ना साढ़े तीन लाख से शुरू हो सकते हैं जो so, लगभग 160 स्क्वायर uh, फीट है एक कंटेनर का Correct. हर जगह मेटल की ही बात कर रहे हैं तो क्या मेटल यूज करने से घर मेरा भट्टी नहीं बन जाएगा घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना होता है एक इंसान का लेकिन उसमें दो बारी जो तकलीफ़ें हैं वो हमें महसूस होती है जैसे कि उसमें समय कितना लगेगा और पैसा कितना लगेगा तो आज हम प्रीफैब हाउसेस की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में किस तरह से बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं तो इंडिया में हम काफ़ी समय से प्रीफैब सुन रहे हैं तो कुछ क्यों नहीं रहा प्रवीण प्रीफेब दिख रहा है लेकिन कॉमनली बहुत लोग नहीं यूज कर रहे एक तो लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है रिलेटिवली दूसरा लग, जब भी आदमी घर के बारे में सोचता है तो सबसे पहले सीमेंट रेती कंक्रीट के घर या तो ईंट के बने हुए घर के बारे में सोचता है कभी भी ये ऑप्शन उसके माइंड में आता ही नहीं है कि प्रीफेब और जल्दी हो सकता है तो मटीरियल uh, की जब बात हैं तो प्रीफैब क्या मटीरियल में बनता है प्रीफेब uh, हाउसेस बहुत मटेरियल में बनते हैं ये भी लोगों को कम मालूम है कि लोगों को लगता है कि कोई प्लास्टिक के मटेरियल में बन जाता है वो या कोई यू में बनता है प्रीफाब हाउसेज यानी कि जो घर आपके कारखाने में बने और वहाँ असेंबल हो ओके। या तो कारखाने में पूरे का पूरा घर बनेगा और फिर सीधे क्रेन या फाउंडेशन टाइप पे Correct. दूसरा उसके पैनल मैके मॉडुलर के जैसे अभी इसमें बनाने के तरीके हैं राइट फ्रॉम कंप्यूटराइज प्रिंटिंग ऑफ हाउस यानी कि सीधे आप घर को कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं करेक्ट दूसरा तरीका है कोई एक टेंट बनाओ मतलब टेंट वो इतना ड्यूरेबल कर सकते हैं टेंट को कि वो फील भी अलग देगा घर का और वो इंस्टॉलेशन भी फास्ट हो जाएगा okay. पैनल्ड आप एमएस स्टील स्ट्रक्चर के पूरे स्ट्रक्चर सिस्टम बनाओ और उसको अंदर से और बाहर से दोनों जगह से पैनल कर दो Correct. और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दो तो वो तीसरा तरीका है चौथा तरीका ऐसा है कि आप आरसीसी में कास्ट कर लो प्रीफाब वो घर के पैनल्स या पूरा का पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर हो घर का और सीधे उसे प्लेस कर दो ये सब कुछ किसी और जगह पे बन के आ सकते हैं मतलब सब फैक्ट्री में बन सकते हैं सही है सब ये या तो पैनल्स या पूरे का पूरा घर फैक्ट्री में बन के आ सकता है लेकिन ऐसे तो मेरा घर कोई चुरा के लेके जा सकता है <laughs> ये आपका शक तो बराबर है प्रवीण लेकिन पॉइंट ऐसा है कि जब ये फैक्ट्री से आपके साइट तक आता है mm -hmm. तो साइट पे एक फाउंडेशन प्लिंथ का प्री रिक्विजिट होता है okay. हर एक के हिसाब से और पहले वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर पैनल या पूरा होने के पहले आपसे प्लानिंग अप्रूव किया जाता है और प्लान होता है और जब वो साइट पे आता है तो उसे इंस्टॉल करते हैं और उसे फाउंडेशन में स्क्रू कर देते हैं हम नट बोल्ट से इतनी मजबूत तरीके से स्क्रू कर देते हैं और उसके ऊपर भी कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं तो घर निकलना या वो तो इवन इतना मज़बूत हो जाता है कि वो भूकंप आपके बाढ़ या किसी बड़े बारिश को आराम से झेल लेता है तो ये फाउंडेशन जब हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन तो नॉर्मल ईंट पत्थरों के घरों में भी होती है तो सेम फाउंडेशन है कि कुछ अलग तरह की फाउंडेशन लगेगी इसे इसमें फाउंडेशन थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग है क्योंकि इतना ज़्यादा डिग नहीं करना पड़ता हमें एज सच uh, ये जो प्रीकास्ट हाउसेस है ये जी प्लस वन तक के फाउंडेशन uh, तक हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल आदमियों की चर्चा करेंगे कोई टावर की चर्चा नहीं कर Correct. रहे टावर भी बनते हैं क्योंकि अभी एक जापान में रिसेंट रिकॉर्ड हुआ है जिसमें रिकॉर्ड टाइम में पूरा स्काई पर उन्होंने एक दिन में कंप्लीट किया तो वो अलग लेवल का काम है आर्किटेक्चर है ये अलग लेवल का हम इंडिविजुअल घरों की बात कर रहे हैं Correct. तो इसमें लगभग दो फीट का फाउंडेशन होता है और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टाटा है जैसे हिली एरियाज हिमाचल में जहाँ पत्थर के ऊपर ही घर बनाना है Correct. तो वो तो जमीन नहीं धसनी है तो उस जमीन के ऊपर सिर्फ एट टू नाइन इंचेस का पीसीसी करके भी आप घर स्क्रू कर सकते हैं और okay. उसके एंड जो बीम रहता है स्टील बीम उसको आप वापस कॉन्क्रीटिंग करके उसको भी अच्छा जहां पे जमीन जो है नरम है जैसे मुंबई जैसे एरिया में तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है फाउंडेशन पूरी बनानी पड़ेगी या इसीलिए वहाँ पर आपको दो फुट का डिग करके वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी उनके लोड कैलकुलेट होगा जो आपका प्रिफाइव घर होगा करेक्ट. उस हिसाब से लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दो ढाई फीट का डेप्थ आपको देना है एक प्लिन बीम बनाना है और उस बीम के ऊपर जहाँ जहाँ उनका सपोर्ट सिस्टम आएगा वहाँ पर कॉन्क्रीटिंग थोड़ा अलग ढंग से करना है और उसका स्क्रू हो जाएगा यानी कि फाउंडेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है आप जी प्लस वन की बात कर रहे लेकिन फॉर uh, एग्जांपल मेरे एक चाचा ने क्या कर रखा है उन्होंने घर बना रखा है ग्राउंड फ्लोर पे एंड uh, थोड़े से कॉलम्स का जो है ना वो ऊपर उठा रखे हैं ताकि फ्यूचर में उनके बच्चे उनको आगे बढ़ा देंगे उस घर को सो so, इस केस में क्या वो हम घर जो प्रीफब है वो ऊपर बना सकते हैं जरूर बना सकते हैं प्रवीण अगर आपके चाचा ने जो आरसीसी का कॉलम्स पहले से ही बनाए हैं और फाउंडेशन वो जी प्लस वन के हिसाब से कैलकुलेट करके बनाए हुए हैं तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है अगर आपने ऊपर स्ट्रेंथ उस कॉलम्स और बीम्स का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक के लिए बनाया है mm -hmm. तो ही सोचने की बात है यह लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अगर वो पहले से ही लोगों ने यह सोचा है कि मेरी आगे वाली पीढ़ी उसके ऊपर दूसरा माला चढ़ाएगी mm -hmm. तो बहुत ही आराम से उसके ऊपर उसके जो कॉलम्स हैं उनको फाउंडेशन पिलर या गाइडलाइंस लेके उसके ऊपर प्रीफाप घर ले सकते हैं इसमें बहुत तरीके के से उसे करके लेंगे ना, तो नीचे वाले घर की भी शोभा और बढ़ जाएगी क्योंकि ये चीज मैंने जस्ट इमेजिन करा था जब आप कह रहे थे तो ऊपर वाला घर खूबसूरत बन जाए नीचे वाला नहीं बने तो फिर काफी बद्दा से लगेगा ना घर तो करेक्ट है इसीलिए बोल रहा हूँ किसी आर्किटेक्ट से आप एक्सटीरियर भी उस घर का थोड़ा डिजाइन ले लेंगे ताकि क्योंकि प्रिफाव घर की यही खासियत है अगर आप एक इमेजिन कीजिए आपका घर का स्क्वायर तीस फुट बाय से आपका चालीस या फोर्टी फाइव फीट का अगर वो हो रेक्टेंगल उसके ऊपर आप दूसरा रेक्टेंगल किसी और शेप में रखते हैं Correct. से आप हॉरिजॉन्टली डाल देते हैं और बाकी का एरिया कैंटिलीवर करते हैं और उसे एम एस स्ट्रक्चर से आप सपोर्ट दे देते हैं और उन सबको एक ही कलर कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं या उसके ऊपर एक अलग सा स्लोपिंग रूफ डालते हैं तो पूरे घर को एक अलग ही लुक आ जाएगा आज तक आपका घर एक सादा सिंपल रेक्टेंगल दिख रहा था पुरानी हवेली लेकिन ये डालने के बाद एक नया आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बन जाएगा वो अपन जी प्लस वन की बात कर रहे हैं या फिर जमीन पे ही हम फाउंडेशन से वो घर बनाए तब इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं मतलब कॉस्ट ही कोई चीज़ है या टाइम ही कोई चीज है या फिर एस्थेटिक भी कोई चीज है देखो इसमें सब कुछ अचीव कर रहा है मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी बदल हो रही है धीरे धीरे ब्रिक्स मिलना अभी मुश्किल हुआ है मुंबई जैसे शहर में तो ये नॉर्थ में ब्रिक्स अभी भी बंद रहे लेकिन मुंबई में तो भट्टियाँ बंद हो चुकी हैं एक तो जगह नहीं है मुंबई में भट्टियाँ ब्रिक्स के तो सिर्फ आजकल सिफोरक्स के वॉल्स आते हैं वो भी आ, इतने मजबूत नहीं होते और स्ट्रक्चरल सिस्टम और कंस्ट्रक्शन के टेक्नोलॉजी बदल रही है प्रिफेब इज डिमांड ऑफ न्यू एज इसमें घर जल्दी बनते हैं टाइम इज़ आल्सो एसेंस एंड मनी सो आपको पैसे सेव होते हैं ऊपर से कंप्यूटर से कैलकुलेट करके आपके घर के स्ट्रक्चरल सिस्टम बनते हैं जैसे कि कंप्यूटराइज प्रिंटिंग में उसी जगह पे ज़्यादा आरसीसी सी किया जाता है जहां पे स्ट्रक्चरल सिस्टम वीक हो और जहां स्ट्रक्चरल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मजबूत होने की वहाँ पर अलग ढंग से उसे उसकी थिकनेस और विर्थ और बीच के जो स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है वो भी अलग ढंग से होता है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज कैलकुलेशन होता है तो ये नया इवॉल्विंग क्षेत्र है मैं बोल रहा हूँ तो ये नए आपसे शायद 10 से 12 साल बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रीफब घर ही बन रहे हैं यह टेक्नोलॉजी भी शायद 15 साल बाद एब्सोल्यूट हो जाए आ, तो प्रीफब हाउसेस जैसे हमने स्वदेश पिक्चर में देखा था कि शाहरुख खान जो है वो कारवां में घूमता था एंड वो उसी में रहना पसंद करता था रादर देन किसी गांव के घर में जाकर रहे तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्रिफाफ हाउसेस मैं कैरी भी कर सकता हूँ अपने साथ कहीं पे भी बहुत ज़रूर आजकल ऐसे भी ट्रक आए हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में तो सिंपल ट्रक जीप्स रहते हैं जिनको आप हुक करके आपका प्रिफाफ घर लेके अलग अलग लोकेशन पे डाल जा, जा सकते हैं बहुत सारे लोग पसंद करते हैं आ, अपने हार्ड एंड मनी को अलग अलग लोकेशन पर इंजॉय करना तो एक कैरावन जैसे बना सकते हैं जिनको आप टायर्स दे दो सिर्फ टायर्स देना है और आपको किसी इंजन से लगाना है और जब आप खोलें तो उसे फोल्डिंग कर सकते हैं यानी कि उसका रूफ आप स्ट्रेचेबल कर दो वहाँ से सीढ़ियाँ फोल्डिंग सीढ़ियाँ नीचे निकाल दो प्लिंथ वैसे ही मिल जाएगा क्योंकि टायर्स हैं और बाकी सेफ्टी फ़ीचर्स उसमें ऐड कर दो जो कि फोल्डिंग होंगे Correct. तो इस तरीके से आप किसी दिन बीच फ्रंट पे आपका घर रखिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्योंकि कई जगह ऐसे हैं भारत में जहाँ नोमैंस लैंड है यानी कि बीच के ऊपर किसी का क्लेम नहीं है mm -hmm. कि मेरी ज़मीन है अब वहाँ पे एक घर लगा के आराम से दो दिन रहिए फिर किसी दिन जाके हिमाचल में दो तीन दिन मनाली के किसी माउंटेन के नीचे आप आराम से आपका कैरावन में पाँच छः दिन वहाँ हैं। इससे एक चीज़ और मेरे क्लिक हो रही दिमाग में जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं प्रीफेब हाउसेस काफ़ी डब्बा जैसा फ़ील देता है तो क्या इन हाउसेस के अंदर कुछ आलिशान घरों जैसे बालकनीज हम लोग ऐड कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं मैंने वही बोला इसीलिए आपको आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा Correct. मैं एक आर्किटेक्ट को जानता हूँ कमलेश था जो कि एक रिसोर्ट बना रहे हैं प्रिफाब घर से mm -hmm. जिसे कि मैं पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा आपके चैनल पे ताकि sure, पूरा प्रिफाब कंटेनर से रिसोर्ट बन रहा है mm -hmm. जिसे प्लेसमेंट से ही खूबसूरत बनाया जा सकता है या उसके एक्सटर्नल क्लाइडिंग से कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है प्रीफैब घरों को जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल लीजिए कंटेनर हाउसेस कंटेनर को आप लेगो के जो अपने बॉक्सेस आते थे जिससे गेम हम खेलते थे correct, जो क्यूब्स थे hmm. वैसे समझ के आप उसको एक दूसरे पे प्लेस कीजिए hmm. और बहुत खूबसूरत शेप्स बना सकते हैं जैसे लेगो में आप जो नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव था आप उनको

मेटल जहाँ यूज होता है उसका एक्सटर्नल स्किन पैनल का मेटल होता है जैसे कंटेनर है वो पूरा का पूरा मेटल ही है शीट, उसके अंदर में आप इंसुलेटिंग मटेरियल फोम फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर पफ पैनल्स रहते हैं जिसे आप उसके बाद आप उसे लगाइए और उसके ऊपर पैनलिंग कर सकते हैं okay. और वो उस जो पैनलिंग है वो भी आपका यूपीवीसी से कर सकते हैं जिसको अंदर से आप पफ पैनल्स के ऊपर आप डब्ल्यू सी या सीमेंट शीट लगा के आप या तो पेंट कर सकते हैं Correct. या तो आप उसके ऊपर सीधे डब्ल्यू सी का टेक्सचर्ड लुअर पैनल्स आते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं mm -hmm. इवन स्ट्रेट पैनल्स आते हैं जिसमें वुडन टेक्सचर नॉर्मल टेक्सचर

आग लग सकती है या वो फट सकता है अगर किसी जानवर ने या किसी ने कट किया तो टेंट को अगर एक्सक्लूड करें तो सबका लाइफ स्पैन सेवेंटी टू एटी तो साल तो आई है तो आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल घरों को मैं पूरी कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता हूँ इन घरों से करेक्ट सिर्फ वो माइंड चेंज करने की बात है सो <laughs> so, अब कॉस्ट के ऊपर आते हैं मेन तो क्योंकि कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का शक हो जाता है सो so, जब हम कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट से शुरू होते हैं ये घर प्रवीण ये घर ना साढ़े लाख से शुरू हो सकते हैं तो वो वेरी करते हैं सात आठ लाख में एक डिसेंट घर बन सकता है <laughs> एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको एग्जांपल लेते हैं कंटेनर का जो कंटेनर हाउस है वो आता है लगभग रॉ कंटेनर 1.5 पॉइंट में उसके अंदर पैनलिंग और इंसुलेशन करके आपको 1 1.5 पॉइंट और लग जाता है Correct. और उसको फाउंडेशन या उसकी प्लिं बनाने में 25 पचास हजार लग जाते हैं और इंटीरियर के साथ आपको चार साढ़े चार लाख में पूरा घर बन सकता है सो so, ये कितना एरिया होता है कंटेनर का बेसिकली लगभग स्टैंडर्ड साइज आता है लगभग आठ फुट और लेंथ आता है ट्वेंटी फीट तो एट फीट बाय ट्वेंटी फीट और हाइट साढ़े आठ फुट सो so, लगभग 160 स्क्वायर फीट है एक कंटेनर का साइज़ अगर किसी को बड़ा घर चाहिए तो फिर वो कैसे कंटेनर्स प्लस करते जाएगा उसका हाँ को? फिर अगर किसी को बड़ा आ, चाहिए तो उस कंटेनर को दो कंटेनर लेके जोड़ सकता है बीच की दोनों की टिन की दीवारें उड़ा सकता है Correct. और दोनों को वेल्ड कर देगा ऊपर से वाटर प्रूफिंग सीलेंट सिलिकॉन सीलेंट मार के उसको एक तो ऊपर से एक छोटा सा रूफ भी दे सकता है ताकि शेप भी आए और बाहर से पैनलिंग करके घर और खूबसूरत भी लग सकता है अगर ये दो कंटेनर हुए तो साढ़े तीन साढ़े तीन लाख के जुड़ गए विथ इंटीरियर इंसुलेशन एंड एवरीथिंग थोड़ा इंटीरियर में पैसा गया लेकिन घर तो आपका आठ लाख में आराम से इतना बड़ा बन जाएगा जो लगभग मेरे ख्याल से 160, प्लस प्लस 160 लगभग तो, तो 320 स्क्वायर फीट हो पे तो 320 स्क्वायर फीट का वन बी के आराम से बन जाएगा आपका सात साढ़े सात लाख में इसी तरीके से आठ साढ़े आठ लाख तक आप पैनल घर भी बना सकते हैं यानी कि एम के स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसे पहले से ही प्रीफा कर दिया जाता है कट करके रखते हैं जैसे कि आपका प्लान हो तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लान मिलता है मतलब एकदम रेक्टेंगुलर होने की जरूरत नहीं है वो एल शेप भी हो सकता है घर आपका तरेक, बीच तरेक। में आंगन दे सकते हैं तो वो आप पहले से ही प्लान कर दीजिए फाउंडेशन वैसे ही प्लान कर दीजिए और पैनल्स उसको बाद में आके कंपनी वाले जोड़ के जाएंगे वो भी आठ साढ़े आठ लाख में और एक दिन में बन सकता है आपने कहा कंपनीज आके इसको लगा देती हैं तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो इनको बना रही है और सप्लाई कर रही है देखो इंडिया में अभी तक कोई पूरे नेशनल लेवल पे कंपनी नहीं गई है लोकल लेवल पे है कुछ हरियाणा में है कुछ साउथ में है बैंगलोर में है Correct. कुछ चेन्नई में हैं कुछ महाराष्ट्र में भी है महाराष्ट्र में एक्चुअली पायोनियर्स बहुत कम है लेकिन आ, जो ये कंटेनर हाउसेज है इसके सिस्टम है जो साइट्स पे ज़्यादा यूज़ होते हैं तो ये सारी कंपनीज बना रहे हैं आपके लोकल शहरों में आपको देखना पड़ेगा कौन बना रहे इवन घर बनाने वाले बहुत कंपनीज आए हैं तो आपको आपके लोकल एरिया में ढूंढना पड़ेगा कि आपको जिस तरीके का घर चाहिए ऐसे कंटेनर प्रीफैब या कंप्यूटराइज वो आपके यहाँ पे कोई बना रहा है कि नहीं तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो रहे हैं ये घर तो क्या मुझे कुछ साल रुकना चाहिए प्रीफाइव घर खरीदने से पहले देखो प्रवीण पहले मॉड्यूलर किचन आज से पंद्रह से बीस साल पहले आया था Correct. लेकिन आज हर आदमी मॉड्यूलर किचन ऑर्डर करता है क्योंकि वो वो अभी 20 साल में वो पहले सिर्फ पार्टिकल बोर्ड में आता था Correct. सिर्फ वो मेम्ब्रेन स्क्रीन में आता था अभी बैक पेंटेड एक्रेलिक में आता है और प्लाई और बी डब्ल्यू पी में भी आता है Correct. तो इस तरीके से जैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है वैसे वैसे बहुत सारे सोल्यूशन मिलते जाते हैं Correct. तो ऑफ कोर्स इसकी भी टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व होने वाली है ये करंट नीड है मार्केट की तो आज से पांच से दस साल बाद आप बहुत अलग तरीके के प्रीफा हाउसेस देखेंगे प्री प्लान्ड हाउसेस देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें आएंगे और शायद पैन इंडिया भी कोई कंपनी जाएगी अमेजिंग सो आई थिंक इंडिया में प्री होम्स तो काफ़ी ज़्यादा uh, चर्चा लोग कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जिससे आप अपना प्री लेने का डिसीजन या तो कर पाएं या तो पोस्टपोन कर पाएँ सो प्री रिलेटेड अगर आपको कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछेगा वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट एंड ऐसी और डिज़ाइन रिलेटेड कॉन्टेंट को देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए अन डिजाइन को